हम देखो लास्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स का होता है न्यूमेरिकल बता रहे थे और उसका एक दो टाइप है। वैसे न्यूमेरिकल तो कई सारा होता है ना, और न्यूमेरिकल तुमको हम लोग जो कराएंगे यहाँ पे जब तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे तो तीन बुक से तुमको न्यूमेरिकल कराया जाएगा बस, तभी करते हैं उसको, है ना। देखो अब यहां पर समझना, जैसे ये अगर कोई ब्लॉक है जो लास्ट क्लास में बताया गया था कि ये 10 केजी का अगर कोई ब्लॉक है और अभी रेस्ट में इधर तो नहीं करेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इसका वेट कितना हो गया 10 जी, वेट तो हर्ष में अच्छा रखा हुआ है तो रखा हुआ है तो नॉर्मल आ जाएगा। अब जैसे ही तुम इसमें फोर्स लगाए कितना 30 न्यूटन तो क्या होगा ये आगे जाना स्टार्ट कर देगा। तो अगर तुमसे पूछे कि बताओ कितना है इसका एक्सेलरेशन तो देखो कि एफ इक्वल टू एम इन टू, ये तब लगाते हैं जब मास क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है, और ये वाला फोर्स कौन सा फोर्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सेलरेट कराने के लिए। इसको पहचानने का बहुत आसान तरीका होता है, जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर वाला ही फोर्स कंसीडर किया जाता है। तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है 30 न्यूटन, देखिए 30 न्यूटन कितने केजी का ब्लॉक है ये, यानी मास कितना है 10 kg, तो a इक्वल टू आ गया 3 m/s² ये इसका आंसर है। अब यहां पे देखना वही चीज करवा रहा है, करें ये एक ब्लॉक है 5 kg का, ये पुली अटैच है और इस साइड लगा हुआ है 10 kg का ब्लॉक, ये 10 kg का ब्लॉक है, ये 5 kg का ब्लॉक है, ये किस तरफ आएगा नीचे, और ये जितने से आएगा वो कहीं से ये क्या होगा आगे जाएगा। कर अब बताओ तो कितना होगा इसका एक्सेलरेशन। तो सबसे पहला काम किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए तुमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा 10 g, स्ट्रिंग अटैच है रस्सी है इसलिए क्या होगा टी होगा और उससे दूर होगा, इसका कंप्लीट हो गया। इसका इसका वेट कितना हो गया 5 g, वेट हक्स में नीचे लगेगा, रखा हुआ है चुकी किसी चीज पे इसलिए नॉर्मल लगना है, और ये टी होगा कि ये भी वही टी होगा लेकिन याद है ना जिससे जिसका एफडी बनाते हैं उससे दूर बनाते हैं, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम इसका कंप्लीट हो, 5 g हो गया नॉर्मल हो गया और ये किधर आ रहा है ये नीचे आ रहा है। इक्वेशन लिखते हैं इसको लिखते हैं 10 g क्या चाह रहा है नीचे लाएंगे, टी क्या चाह रहा है ऊपर, देखो एरो से 10 g क्या चाह रहा है नीचे, टी क्या चाह रहा है ऊपर, आ रहा है रिलेटिव किधर नीचे, तो अगर आ रहा है नीचे जरूर है कि 10 g पड़ा होगा है ना, और ये इसको उल्टा रोक रहा है ठीक, तो नेट फोर्स क्या होता है नेट फोर्स इक्वल टू एम इनटू ए यही होता है। तो 10 g चाह रहा है नीचे और टी इसके अगेंस्ट में है लेकिन आ रहा है नीचे इसलिए पक्का है कि 10 g पड़ा होगा, तो नेट फोर्स क्या होगा 10 g - g इक्वल टू एम इनटू ए, एम कितना है 10 × a, ये फर्स्ट इक्वेशन। चूंकि अननोन दो है एक टी है और एक ए है इसलिए एक और इक्वेशन चाहिए। अब यहां से लिखते हैं, यहां पे ध्यान देना गलती मत करना, किधर जा रहा है ये इधर, तो देखो ये और ये जो बनाए हैं इसमें समानता है, क्या सिमिलरिटी है, जैसे मान लो ये है जो काम यहां पे 10 g कर रहा है वो काम यहां पे 5 g कर रहा है, जो काम नॉर्मल है वो काम नॉर्मल कर रहा है, यहां पे हम इसको डायरेक्ट पकड़ के खींच रहे थे ऐसे करके, और यहां पे ये रस्सी के मदद से आगे जा रहा है। अगर ये रस्सी नहीं होता तो खुद सोचो, अगर ये रस्सी नहीं होता तो क्या ये आगे जाता, कभी नहीं जाता, तो इसको आखिर आगे कौन लेके जा रहा है, तो ये जो स्ट्रिंग अटैच है यही इसको लेके जा रहा है। और ऐसे भी अगर ये इस तरफ जा रहा है ना तो इसी तरफ का फोर्स कंसीडर करना है, तो कौन लेके जा रहा है टी, क्या कोई रोक रहा है नहीं रोक रहा है, यानी जो काम 30 न्यूटन कर रहा था वो काम कौन कर रहा है टी कर रहा है ना। तो फिर से लिखें एफ इक्वल टू, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल इसको आगे ले जाने के लिए, रस्सी नहीं होता रस्सी तो नहीं जाता, और अगर इधर जा रहा है तो इधर वाला ही फोर्स लेना है,
तो सिर्फ लिख देंगे टी, टी रिस्पॉन्सिबल है इक्वल टू एम, एम कितना हो गया 5। यानी देखो जो काम पीछे पर यहां पे ये अगर आगे जाता कौन लेके जा रहा था 13 पर, तो लिखे है बराबर है कौन सा फोर्स रिस्पॉन्स 30, कितना केजी का 10 हुए, तो जो काम 30 कर रहा है वो काम यहां पे टी कर रहा है, 30 के जगह कौन हो गया टी, मास के जगह 5। ऐसा नहीं करना कि टी माइनस 5 जी करना, बहुत कोई गलती कर देता है टी, तुम सोचो टी माइनस 5 जी कभी हो सकता है, टी इधर है और 5 जी इधर है, कभी नहीं माइनस होता है ना, सेम लाइन में रहेगा। जैसे ये 30 है, इधर कोई लगा रहा है 5 मीटर, अब माइनस होगा, 30 चारा आगे लेके जाए 5 चारा पीछे, लेकिन जा रहा है किधर आगे, तो जरूर 30 बड़ा होगा। तो अब नेट फोर्स क्या होगा 30 माइनस 5 है ना, तो ये टी माइनस 5 जी नहीं करना है ना, इधर जा रहा है तो इधर वाला ही फोर्स लेना है, तो कौन लेके जा रहा है टी, तो लिखे टी इक्वल टू 5। अब दोनों को ऐड करते हैं, कट गया टी, 10 जी इक्वल टू 10 ए प्लस 5 ए, जी का वैल्यू 9.8 ने रखे, हम लोग 10 रखते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, और बताओ यहां से ए आया कि नहीं आया, और अगर ए आ गया है तो किसी में इसी में पुट कर दो, सेकंड इक्वेशन में ए का वैल्यू 3 निकल जाएगा है ना, सॉल्व हो जाएगा। अब इनको क्वेश्चन और करते हैं, इस तरह से करना क्वेश्चन, देखो कई तरह का बनेगा है ना, जब हम लोग का क्लास स्टार्ट होगा तब हम लोग पूरा कंप्लीट कई तरह का क्वेश्चन करेंगे है ना। अब देखो ये है 5 केजी का एक ब्लॉक, इस तरफ अटैच है 15 केजी, एक इधर भी लगा देता है, यह है 5 केजी, 15 केजी 5 केजी 5 केजी, यह हेवी है, तो ये किधर आएगा नीचे, ये किधर जाएगा आगे, ये किधर जाएगा ऊपर, तो सबका क्या करना है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है 1x1 करके, सबका एक एक करके है बड़ी, इसका वेट 15 इंच एकदम साफ साफ है एरो के साथ, स्ट्रिंग अटैच है कि नहीं, रस्सी लगा हुआ है कि नहीं, हां लगा हुआ, इसलिए क्या होगा टेंशन होगा और उससे दूर होगा। चलिए इसका बनाओ, इसका वेट 5g रखा हुआ है किसी चीज के ऊपर, अगर कहीं पे भी सटा होगा तो नॉर्मल बनाना जरूरी है, ये नॉर्मल, यहां से यहां एक ही स्ट्रिंग है, यहां से एक ही रस्सी है, इसलिए जो टी यहां होगा वही टी यहां होगा, लेकिन ध्यान रखना इससे दूर होगा। क्या इसका एफबी कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ, देखो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, वेट बना दिए हैं, नॉर्मल बना दिए हैं, एक इधर रस्सी लगा हुआ है एक इधर भी तो रस्सी लगा, दो दो रस्सी लगा हुआ है ना, तो यहां पे भी टी नहीं बना सकते हो, अभी ध्यान देना, देखो यहां से यहां एक ही स्ट्रिंग है, इसलिए जितना टाइट ये स्ट्रिंग होगा उतना ही टाइट ये स्ट्रिंग होगा, ये पक्का है, लेकिन ये तो दूसरा रस्सी है, तो अगर रस्सी बदलेगा, ध्यान सुनना, अगर रस्सी बदलेगा तो तुमको टेंशन अलग अलग दिखाना है, T1, T2, T3 ऐसे करके, क्यों, क्योंकि जहां रस्सी बदलेगा तो मे भी उसका टेंशन अलग अलग हो सकता है, कोई ज्यादा टाइट हो कोई कम टाइट हो, है ना, जैसे 15 kg भी है जो उसका ज्यादा टाइट हो, ये 5 kg लोड कम हो सकता है कम टाइट, तो यहां पे रस्सी बदल गया है, ये अलग रस्सी है ये अलग रस्सी है, जबकि यहां से एक ही रस्सी का, इसलिए यहां पे टी तो यहां पे टी, तो जब रस्सी एक से अधिक हो जाए तो तुम क्या करो T1 और T2 कर दो, तो यहां पे ऐसा करते हैं T1 ये T1 तो ये भी T1, यहां से यहां सेम स्ट्रिंग है, लेकिन ये चूंकि दूसरा रस्सी इसलिए क्या करते हैं T2 कर दिया, इसका कंप्लीट हो गया, इसका वेट कितना हो गया 5g, और ये T2 तो ये भी T2 और इससे दूर बना दे, देखो तो एफबी कंप्लीट हुआ, 15g इसका वेट, वेट तो सबने बनाना है, स्ट्रिंग अटैच है इसलिए टेंशन होगा, क्या लिखे T1, क्यों लिखे T1, क्योंकि एक से अधिक रस्सी मिलने वाला है, एक इधर है एक इधर है, तो ये T1, अब इसका बनाए 5g, ये नॉर्मल, एक स्ट्रिंग इधर है लेकिन ये T1 इसलिए रह गया क्योंकि यहां से सेम स्ट्रिंग है, और
टेंसर है इसमें दूर बनाते हैं, इसलिए ये से देखो दूर जाता हुआ है, और ये टी टू इससे दूर जाता है, अवे फ्रॉम द टेंसर अलग हो गया। यहां से आपने टी टू इसलिए बनाया क्योंकि ये सेम स्ट्रिंग है। अब इसका बनाते हैं बीडी फाइव जी और ये टी वन बाय वन करके बीडी बना। अब इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन एकदम सिंपल है, नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है एम इन टू ए। अंदाज लगाते हैं ये किधर आएगा नीचे, लेकिन ये जितने से नीचे आएगा ये उतना ही से क्या जाएगा आगे जाएगा, और ये उतना ही से ऊपर जाएगा। जितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, उतना ही इसका भी डिस्प्लेसमेंट होगा। जितना इसका वेलोसिटी होगा उतना ही इसका भी वेलोसिटी होगा, उतना ही इसका भी वेलोसिटी होगा। जितना इसका एक्सेलरेशन होगा उतना ही इसका भी एक्सेलरेशन होगा, इसका सब चीज सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन एवरीथिंग आर सेम। तो 15g क्या चाह रहा है नीचे लाए, टी1 क्या चाह रहा है ऊपर, लेकिन आ रहा है किधर नीचे, इसलिए 15g क्या हो गया बड़ा हो गया। तो नेट फोर्स क्या होगा 15g माइनस टी1 इक्वल टू एम इन टू ए, एम यानी 15 इन टू ए, ये फर्स्ट इक्वेशन होगा। इसका लिखा होगा इधर जा रहा है, तो एक आदमी इधर खींच रहा है और एक आदमी इधर खींच रहा है, टी1 चाह रहा आगे लेके जाए, टी2 चाह रहा पीछे लेके जाए, लेकिन जा रहा है किधर आगे, तो स्वाभाविक है ये ज्यादा ताकत लगा रहा है। तो टी1 चाह रहा आगे लेके जाए, टी2 चाह रहा पीछे लेके जाए, लेकिन जा रहा है आगे, इसलिए टी1 जो हो गया वो ज्यादा ताकतवर है। तो नेट फोर्स क्या हो गया टी1 माइनस टी2, जैसे कि 30 और 5 के एग्जांपल में, तो टी1 हो गया बड़ा, ये चाह रहा आगे लेके जाए, ये चाह रहा पीछे, जा रहा है आगे, इसलिए नेट फोर्स हो गया टी1 माइनस टी2 इक्वल टू एम इन टू ए। नेट फोर्स बराबर एम इन टू ए, एम कितना है फाइव, और ए तो उसका भी इतना ही होगा। अब इसका लिखते हैं ये टी2 और ये 5g, टी2 चाह रहा ऊपर लेके जाए, 5g चाह रहा नीचे, लेकिन जा रहा है किधर ऊपर, तो अगर जा रहा है ऊपर तो टी2 क्या होगा बड़ा होगा। तो नेट फोर्स क्या होगा टी2 माइनस 5g इक्वल टू 5g इनटू ए, ये थर्ड फोर्स। एकदम आराम से ऐड करो, देखो कितना आसान है, ये माइनस टी1 ये प्लस टी1 तीनों को ऐड कर रहे हैं, ये माइनस टी2 ये प्लस टी2 करके 15g तीनों को ऐड कर दिए, और अब तो तुम भी कर सकते हो 15g माइनस 5g 10g और 15 प्लस 5 25। अब इसका वैल्यू पुट कर दो g के जगह, 10 इनटू g के जगह 10 पुट करते हैं इक्वल टू 25 इनटू a, 100 इक्वल टू 25 इनटू a, सो दैट a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कहेगा मैं बताओ t1 कितना होगा, यहां रख दो 15g माइनस टी फर्स्ट इक्वल, तो जैसे ए का वैल्यू लिखोगे टी1 निकल जाएगा, तुम यहां पुट कर दो टी2 निकल जाएगा, या यहां भी पुट कर 30 पुट करते ए पुट कर दो टी2 निकल जाएगा, है ना। और टेंसर का यूनिट क्या होता है न्यूटन, टेंसर चूंकि फोर्स होता है इसलिए उसका यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है। और एक क्या करते हैं ये सब, लेकिन प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा न्यूमेरिकल होगा। अब हम लोग जो कल है ना, कल अब दो दिन हो गया न्यूमेरिकल, अब हम लोग कल जो है थ्योरी स्टार्ट करेंगे, फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। हम पहले बोल चुके हैं हम सारे चैप्टर का थोड़ा थोड़ा करके आइडिया देते जाएंगे, ताकि जब ऑफलाइन क्लास हो तो तुमको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा, है ना। और इस बार सिलेबस जो है रिड्यूस नहीं है, ये ध्यान रखना, सिलेबस पूरा फुल है, पूरा कंप्लीट 11th पढ़ना है, पूरा कंप्लीट 12th वाले बच्चों को भी, जिस बार 12th में है उनको भी पूरा फुल सिलेबस है, आज के पेपर में भी आ गया है, इसलिए पूरा कंप्लीट पढ़ना है। अभी क्या होगा तुम थोड़ा थोड़ा सीख लोगे, हर चीज का आइडिया होगा, तो क्या है तुमको ज्यादा समझ में, जो पहले बच्चे ज्वाइन करते हैं उनको ज्यादा फायदा होता है। अब क्या है जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा तो सारे टीचर्स शुरू से स्टार्ट करेंगे, डे वन से तुम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ये 5kg का एक बार और दे देते हैं, देखो सिर्फ एफबीटी बना दोगे तुम्हारा आधा काम तो उसी में निकल जाता है, चार चार ब्लॉक रहेंगे कितना भी रहे कोई दिक्कत नहीं,
वन बाय वन स्टार्ट, पहले इसका बनाएंगे फिर इसका बनाएंगे फिर इसका बनाएंगे फिर इसका बनाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। 20 के जी का वेट कितना हो गया 20 जी। स्ट्रिंग अटैच है, हम देख लीजिए एक से अधिक होगा, एक रस्सी यहां पे है, दूसरा रस्सी है, तीसरा रस्सी, तीन तीन रस्सी लगा हुआ है सर। तो हम शुरू से ही टी वन दे देते हैं, ये टी वन, इसका वेट हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया टी वन कंप्लीट। अब इस पे इसका वेट कितना हो गया 10 जी रखा हुआ है, तो क्या लगेगा नॉर्मल, ये हो गया। देखो ये वही रस्सी है, इसमें वही टी वन होगा, ध्यान रखना इसे दूर बनाएंगे, हम इसका बना रहे हैं इसे दूर, ये दूसरा स्ट्रिंग है इसलिए इसे दूर, छूटना नहीं चाहिए, वन बाय वन करके बनाएगा कभी नहीं गलती होगा। पहले इसका बना लिया, इसका 10 जी हो गया, रखा हुआ है नॉर्मल, एक रस्सी इधर है इसका टी वन, एक रस्सी इधर है टी टू, दोनों में दूर बनाना है, असल ऑलवेज अवे फ्रॉम द ग्राउंड, ये टी वन यहां से एक ही रस्सी से टी वन बना। अब चलो इस पे आओ, इसका वेट 5 जी, ये भी रखा हुआ है, लेकिन देखो दो अलग अलग कॉन्टेक्ट हो गया, इसलिए यहां पे एन वन और एन टू, अगर ये टेबल है एक तरह से, एक समान यहां रखती है, एक समान यहां रखती है, एक समान यहां रखती है, तो हो सकता है एक समान भारी हो, एक समान हल्का हो, ऐसे अलग अलग होगा, तो अगर कॉन्टेक्ट बदलेगा तो नॉर्मल अलग अलग लिखना है, तुम खुद सोच लो। यहां पे देखो ज्यादा, हाँ यहां पे अगर किसी का उंगली रहेगा तो ज्यादा जोर से दबाएगा कि नहीं दबाएगा, और यहां पे कम दबाएगा कि नहीं दबाएगा, तो यहां पे ज्यादा जोर से दबा रहा उंगली, इसका कोई ज्यादा जोर से दबा हुआ है, यहां पे कम दबा रहा उंगली, इसका कम दबाया हुआ है, तो नॉर्मल जो है ना अलग अलग मेंशन करना है, अगर कॉन्टेक्ट अलग अलग होगा, है ना जी जी। तो यहां पे ये अलग है जगह और ये अलग जगह है, इसलिए हम लोग अलग अलग नॉर्मल बनाए। नॉर्मल मतलब ये 10 kg और ये टेबल के बीच का जो फोर्स है उसी को बोलते हैं नॉर्मल। सिंपल वे में यहां पर अगर उंगली रखोगे दबाएगा कि नहीं दबाएगा, वही एक तरह से नॉर्मल है, इस दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इस पे आओ, इसका वेट कितना हो गया 5 जी, सर इसका भी कंप्लीट नहीं हुआ, इसका वेट हो गया 5 जी, ये नॉर्मल, क्यों नॉर्मल अलग बनाए, क्योंकि ये अलग अलग कॉन्टैक्ट। अब देखो तो ये रस्सी यहां से वही है, इसलिए वही की तो बारिश से दूर बनाए, ये नहीं कि इसमें बना नहीं इसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, इसका अपना बना है, कोई भी गलती नहीं, एक रस्सी इधर आइए देखो, दूसरा रस्सी इसमें टी थ्री बनाएंगे, ये टी थ्री थी, ये भी टी थ्री, इस तरह से टिक करते हैं। एफडी में ध्यान रखना है वन बाय वन करके बनाना है, इसका वेट कितना हो गया 20 जी, स्ट्रिंग अटैच है टी वन, इसका वेट हो गया 10 जी, नॉर्मल हो गया, एक स्ट्रिंग इधर है, एक स्ट्रिंग इधर है, इधर टी वन इसमें क्योंकि यहां से सिंगल स्ट्रिंग है, ये डिफरेंट स्ट्रिंग इसमें टी टू हो गया। अब इस पे आते हैं, इसका वेट हो गया 5 जी, नॉर्मल अलग इसलिए बनाए क्योंकि दोनों अलग अलग कॉन्टेक्ट है, इसलिए एन वन और एन टू। स्ट्रिंग चेंज होता है तो टेंशन चेंज होता है, ऐसी कॉन्टेक्ट सर्फेस अगर चेंज होगा तो नॉर्मल चेंज होगा। ये टी टू इसलिए क्योंकि यहां से एक ही रस्सी है, इसलिए वही टी टू होगा, लेकिन जब इसका बनाएंगे तो इसे दूर बनाएंगे, यहां पर दूसरा रस्सी है इसलिए टी थ्री, फिर यहां पर हो गया इसका वेट 5 जी और ये टी थ्री, यहां से सेम टी थ्री। अब इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं, क्या होता है नेट फोर्स इक्वल टू एम इन टू, ये किधर आएगा नीचे, ये किधर जाएगा आगे, ये किधर जाएगा ये भी आगे राइट साइड, ये किधर जाएगा आपके ऊपर, तो ये नीचे आ रहा है, ये आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो 20 जी क्या चाह रहा है नीचे लाने, देख लो 20 जी क्या चाह रहा है नीचे लाने के लिए, टी वन क्या चाह रहा है ऊपर, आ रहा है किधर नीचे, इसलिए 20 जी क्या होगा बड़ा होगा, तो नेट फोर्स क्या होगा 20 जी माइनस टी वन इक्वल टू एम इंटू ए, यानी 20 इंटू ए, ये किधर जा रहा है आगे राइट साइड, मतलब टी वन क्या चाह रहा है आगे लेके जाए और टी टू क्या चाह रहा है पीछे लेके जाए, जा रहा है किधर लेकिन आगे, इसलिए टी वन क्या होगा बड़ा होगा, तो नेट फोर्स क्या होगा टी वन माइनस टी टू इक्वल टू एम, एम कितना है 10 इंटू ए। अच्छा इस पर टी टू क्या चाह रहा आगे लेके जाए, टी थ्री क्या चाह रहा पीछे लेके जाने के, जा रहा है किधर लेकिन आगे, इसलिए टी टू क्या होगा बड़ा होगा, तो नेट फोर्स क्या होगा टी टू माइनस टी थ्री इक्वल टू एम, एम लेकिन 5 प्लस बड़ा। अब इस पे आओ, टी थ्री क्या चाह रहा ऊपर लेके जाए, 5 जी क्या चाह रहा नीचे लेके जाए, जा रहा है किधर लेकिन ऊपर, इसलिए टी थ्री क्या होगा बड़ा होगा, तो नेट फोर्स क्या होगा टी थ्री माइनस 5 जी इक्वल टू 5।
अब हम तीनों को स्मूथली ऐड करते हैं, माइनस टी वन प्लस टी वन, माइनस टी टू प्लस टी टू, माइनस टी थ्री प्लस टी टू, सब तरह से हो जाए, चारों एक प्रश्न को ऐड कर देते, 20g माइनस 5g इक्वल टू 20a प्लस 10a प्लस 5a प्लस 5a, 20g माइनस 5g कितना हो जाए 15g, 30 अंदर और 10, 40 इंटू ए, 150 जी का टेन इनपुट कर दिए और यहां से ए आ गया तीन, अब कहीं रख दो, यहां रख दो टी वन, यहां रख दो टी टू, यहां रख दो टी थ्री, टी वन टी टू टी थ्री आराम से, इस तरह से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इन हर न्यूमेरिकल में एक ही कॉन्सेप्ट है, एफडी बनाना है और फिर उसका इक्वेशन। नेक्स्ट कल करेंगे फ्रिक्शन, ठीक है।